ऑल राइट गाइस, सो या मुझे पता है बहुत दिनों से वीडियो आ नहीं रही है एंड सॉरी सॉरी, पहले इंट्रो देते हैं। व्हाट इज़ अप क्रेजी पीपल आउट देयर, दिस इज़ अभिरूप, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज की वीडियो आपको थंबनेल और टाइटल से समझ गई होगी किसके ऊपर है। बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब ये जो फीलिंग है उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? एज यू गाइज माइट हैव नोन अंटिल की अपना काला का रिलीज का डेट है एंड इट्स द वीडियो नाउ। ये वीडियो थोड़ा सा आई गेस लेट ही अपलोड होगा बिकॉज बीच में बहुत सारे स्केड्यूल्स है, तो या तो आई गेस ये थोड़ी वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड होगी। एनी वेज, जिन लोग को काला के बारे में पता नहीं है, सो ये है काला। काला एक ब्लैक फेस लंगूर था जिसको हम लोग ने लास्ट ईयर रेस्क्यूड किया था एंड ही वॉज इलेक्ट्रिक्यूटेड गाइज, मतलब जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था अपने जो ट्रेन के ओवर हेड वायर्स होते हैं उसके ऊपर से उसको शॉक लगा था। ही वॉज बर्न, ही हैज डेंजर बर्न्स ऑल ओवर हिज बॉडी, उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरी स्किन जल गई थी, बुरी तरीके से निकल रही थी, लाइक इवन इफ वी टच हिम ऐसे उसकी स्किन निकल रही थी, इतना बुरा कंडीशन था वो। एक ओवर हेड वायर का शॉक लगने के कारण वो ऊपर से नीचे गिरा था एंड उसको गिरने की वजह से यहाँ पर भी एक बहुत डीप एक चोट आई थी। आई गेस मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। एक साल तक उसकी बहुत अच्छी देख रेख की गई थी, अच्छे तरीके से हम लोग ने उसके सारे वुंड्स हील किए, बहुत अच्छा एक कनेक्शन हो गया था। बट देन अगेन ही बिलोंग्स टू वाइल्ड, हमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता था कि वो वाइल्ड को बिलोंग करता है और उसकी जगह यहाँ नहीं, रिहैब सेंटर में नहीं, बल्कि जंगल में है। सो जब भी हम लोग ऐसे एनिमल्स को फॉस्टर करते हैं, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स को जिनको हमें वापस रिलीज़ करना है, तो उनसे हम ऐसे पर्सनल कनेक्शंस नहीं बनाते हैं क्योंकि यू नो वंस दे गेट अटैच तो उनको वापस वाइल्ड वाले चीज़ों के अंदर सर्वाइव करना, वापस वहाँ पर जाके अपने इंस्टिंक्ट्स को जगाना, गेट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर देम टू। एक साल के अंदर ही वॉज टोटली क्योर्ड। अगर आपको इसके ऊपर के वीडियोज़ देखने हैं, आई गेस मैंने ऑलरेडी इसके दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं, दिस इज़ द थर्ड पार्ट विच इज़ द फाइनल वन। इसके आगे बोलने को कैसे तो हो रहा है, बट इसके आगे काला के पार्ट्स नहीं आ सकेंगे। दिस इज़ गोना बी वेरी इमोशनल गाइज, बिकॉज दीपक भाई उसके साथ एक साल से मैं मतलब मेरे से ज़्यादा वो कनेक्टेड थे। ही वॉज अ प्रॉपर केयर टेकिंग पर्सन, इसने पूरा एक एक वुंड, एक एक हेयर, एक एक नेल को उन लोगों ने हील किया बिकॉज इट वॉज ऑल बर्न। सो यस, हम लोग मिड नाइट को निकले और आगे क्या हुआ कैसे हुआ आप देखो। ऑलराइट गाइज, सो इट्स नाइट टाइम नाउ एंड वी आर ऑफ टू रिलीज काला। सो या लेट्स जस्ट गो, कुछ ही मिनट में अपने साथ होगा एंड आई विल जस्ट शो यू गाइस। सो उसको लाइट में इसके लिए रिलीज़ कर रहे हैं बिकॉज इट्स ईजियर फॉर देम टू यू नो गेट सेटल्ड एंड देन यू नो गेट इन्वॉल्व इन टू द ट्रूप्स, क्योंकि अगर मॉर्निंग में उसको रिलीज़ करेंगे तो दूसरे मंकीज उसको ट्रूप के अंदर आने नहीं देंगे, बहुत चांसेस कम है। बट इफ़ वी डू इट इन नाइट, ऐसा थोड़ा सा मिड नाइट या वेरी अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 वगैरह, तो आधे लोग थोड़े सोए रहेंगे या थोड़े ड्रिजी रहेंगे एंड देन वो लोग को उतना समझेगा नहीं कि सी ए सेंटर लाइक समवन इज न्यू वगैरह। तो होपफुली इट वर्क्स बिकॉज हम लोग जितने भी रिलीज़ करते हैं ऐसे ही करते हैं। बट अगेन काला इज़ द वेरी स्पेशल वन गाइज, बिकॉज आप लोग ने देखा है कि किस प्रकार से या कौन से हालत में वो हमें मिला था एंड उसके बर्न्स कितने डीप थे, उसके जो भी इंजरीज थी, उसके सिर के ऊपर का वुंड बोलो या उसके पूरे अंदर के बॉडी के वुंड्स बोलो, दे वर सो डीप एंड दे ही वॉज सो क्रिटिकल। बट बिकॉज ऑफ ऑल योर गाइज प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, आप सभी के दुआ के वजह से, आपने बहुत सारे लोगों ने उसको फ्रूट्स भेजे थे, बहुत सारे लोगों ने उसको मेडिसिन भेजे थे उसके कारण एंड या ऑब्वियसली पूरी टीम की मेहनत है उसके पीछे, दीपक भाई वगैरह, अबा, मॉम, डैड, सबका हाथ है। सो उसके वजह से ही इज़ फाइन ना। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ अ वर्क। जब भी कोई एनिमल इतना बुरी कंडीशन से ठीक होके वो अपने अपने हैबिटेट में, अपने नेचर में वापस जाता है, सो देर इज़ नथिंग ग्रेटर देन दैट गाइज। सो इट्स रियली डिफिकल्ट बट कम ऑन, दिस इज़ वॉट वी डू। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, हम लोग का माइंड सेट अभी क्या है। But yeah, let's just go. I'll show you him in a sec. Yeah. So the guy is in. Dada dakho tela. Tala. Yes, Kala.
बहुत बड़ा हो गया, आप लोगों को तो फ़र्क दिख रहा ही होगा क्योंकि मुझे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है उसमें, इस फर कोट, इस टीथ, इस टेल, एवरीथिंग एवरीथिंग ही लुक्स सो परफेक्ट एंड सो गुड एज एन एडल्ट नाउ. सो या ही नीड्स टू बी इन वाइल्ड एंड दैट्स हिज होम. सो लेट्स गो और आगे की जानकारी आगे देता हूँ. वही Here we are, guys. I don't know if it is visible or no, but this is all a reserve forest land. Pura piche. मुझे बिल्कुल मालूम नहीं यार, दिख रहा है कि नहीं आपको. 4 a.m. in the morning, almost 15 minutes to go. Now it's the right time. You can spot a small tree frog here, but let it be. Guys, look at Kala now. बहुत बहुत बड़ा हो गया है Kala. As his wounds are totally healed. मैं आपको पहले वाला रबी वाला पिक्चर दिखाऊंगा. इस थोड़ा सा अमेज्ड बिकॉज अचानक नए एरिया में आया ना. सो आई जस्ट स्पेंड थोड़ा सा टाइम विथ हिम एंड आई बी राइट बैक. सो या जस्ट गिव मी सम टाइम गाइस थोड़ा सा. हाँ, सो वी आर रिमूविंग हिज हार्नेस, जो बेल्ट है, बिकॉज हम लोग जब भी उसको कहीं भी लेके जाते थे डॉक्टर के पास तो कभी कभार वो लगा देते थे. सो ही वॉज यूज टू इट. वो जब भी बाहर जाता था और उसको बेल्ट लगा लेता था तो ही यूज टू बी कम्फर्टेबल. यू कैन चेक आउट हिम, उसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी है ना कालू, सब ठीक हो गया. उसका पूरा हाथ, पूरा टेल, सब सब इज अनलिस्ट गाइस. पूरा निशान दब गया, बर्निंग पूरा मार्क्स गया. दिस इज द लास्ट टच. बाय बच्चा, बाय कला. Very emotional thing for Deepak bhai. And there he goes. Going guys. Started eating. Kya lag raha hai? Oh god, this is so tough. This is so tough. मतलब मेरा तो अभी चलो ठीक है, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ नहीं स्पेंड किया, बट दीपक भाई के साथ तो वो 24/7 राइट फ्रॉम द डे वन है. सीटिंग स्टफ नाउ, ही गेट यूज्ड टू इट एंड देन ही लीव थोड़ा सा. सो यस, जब भी वो फाइनल मोमेंट आएगा तो भी मैं आपको वापस मिलता हूँ. तो फिलहाल तो ही सीटिंग, एज यू गाइस कैन सी एवरीथिंग इज सो गुड. लुक एट हिज फर, इट लुक्स सो ब्रिलियंट गाइस. Sitting on the cage again. He's checking the surrounding. I just really don't want him to get insecure. Thoda sa familiar hoga and then khana khake ho gaya. Now he's curious. Go. Thoda isko aage leke aadi par. आ जा चल चल ये आ जा. He's just checking out everything. काला को ब्रश करके भेज रहे हैं, ठीक है. कोई दूसरे बंदर ने कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कि आप ब्रश नहीं कराते, है कि नहीं?
Damn, he's just sitting here. This is this random hut sort of thing. This is a posting, I guess. रिजर्व लैंड के बाहर पोस्टिंग रहती है जो गार्ड्स वगैरह लोग बैठते हैं उसका. सो ही जस्ट रैंडमली सिटिंग एंड इसके पीछे पूरा का पूरा रिजर्व लैंड है. यहाँ पे मॉर्निंग में लंगूर्स वगैरह बहुत अच्छे पैमाने में है. सो जा बाबू. We are just trying to take him a little bit at a little bit inside. Sir, main hai babu, main hai. He is so confident with Deepak bhai. Aur Deepak bhai last ek do mahine se thoda usse untouched reh rahe the because again hum log ko usko release kar raha tha. Bacche ki tarah haath pakad ke is like क्या किधर लेके जा रहे हो. इट्स अ लिटिल बिट क्यूरियस नो गाइस. नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू मूव अ लिटिल इनसाइड. The major diet is like different types of leaves. Majorly they eat different types of leaves वगैरह. एक आम का पेड़ है यहाँ पे और एक यहाँ पे चीकू का भी पेड़ है. अगर यहाँ पे आ जाएगा तो अंदर चला जाएगा तो then nothing like it. Meeting Chiku now. He's having a nice early breakfast because today it is gonna be a big day for him because he's in the wild, in the proper habitat after a year. Up on the tree guys. Kala aja. You can see it's all inside. Ye forest reserve land ka entrance ka gate hai. To there he goes. Guys is in now. And I think this is the right time. थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है. Now he is going properly. I don't know if you guys can see him. Bye Babu. Bye. आई थिंक आपको दिख रहा नहीं होगा बिकॉज इसका जो नाइट वाला जो विजन है या जो भी बोलते हैं इट्स नॉट वेरी नाइस. बट जितना लाइट गिर रहा है उसके ऊपर से इज जस्ट सिटिंग. अभी वो उसने बहुत बड़ी जंप ली ऐसे और आई गेस अभी मेरा कैमरा 2 सेकंड के लिए ऑफ था. ही जस्ट टुक अ नाइस जंप एंड ही इज़ ऑन अ मैंगो ट्री नाउ एंड ही इज ईटिंग राइट देयर. इफ इट इज थोड़ा सा भी विजिबल. And if you guys really think I should get a night
कैमरा लाइक अ नाइट कैमरा विजन, बिकॉज सर्फिंग के टाइम भी ये इशू हमेशा हो रहा है क्योंकि आई कैंट एडजस्ट दिस फोकस एंड नाइट के टाइम में कुछ ऐसा दिखने लगता है तो प्रॉपर लैंडस्केप दिखता नहीं है. कमेंट डाउन सो आई विल जस्ट थिंक ऑन इट. है कि नहीं? चलो आई गेस अभी के लिए इट इज़ द राइट टाइम टू लीव, है ना? इज ऑल अप देयर. दिस इज काइंड ऑफ इमोशनल नाउ. God. It's really doing well, Peter. Look at him. Kalu, bye. Over him now, guys. Because I told you, right? Deepak bhai ka alag attachment hai. It happens, Deepak bhai. It's a nice thing. Chalo. We have more kala to rescue. Come on. ये बोल के हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं. घर पे जाके व्लॉग एंड करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ. एंड या टिल द टाइम पीस. ओके गाइस, सो यहाँ जैसा कि आप लोग ने देखा, काला इज़ गॉन. पहले उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था बिकॉज अचानक से जगह चेंज हो गई थी, एनवायरनमेंट चेंज हो गया था. ही वाज जस्ट ट्राइंग टू सर्वे क्या है, ये कौन सी जगह है, मेरे को कहाँ पे ला के छोड़ रहे हो. सो ही वाज आल्सो अ बिट यू नो, वो भी अटैच था थोड़ा सा कहीं ना कहीं. बट तो भी हम लोग ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि हम लोग उसके साथ प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो और वो प्रॉपर वापस से जंगल में जाए. एंड आई गेस दैट रियली वर्क्ड वेल बिकॉज मुझे पता नहीं वो वाली फुटेज अच्छे से आई है या नहीं, बट व्हेन हम लोग उसको थोड़ा हाथ पकड़ के जब भी डीप अंदर लेके गए, थोड़ा सा फॉरेस्ट के रिजर्व लैंड्स के अंदर, सो उसने कुछ लीव्स वगैरह खाए एंड देन ही जस्ट जम्प्ड. एंड यू वोंट बिलीव गाइस, इतनी बड़ी जंप हम लोग ने उसके एक साल के, मतलब एक साल वो हमारे साथ था, इतनी बड़ी जंप इतने पावरफुल इतनी एनर्जी के साथ उसने कभी नहीं किया था. वो एक झाड़ से दूसरे झाड़ के ऊपर उसने जो जंप किया गाइस, इट वाज सो हार्ट वार्मिंग. एंड एट दैट मोमेंट वी रियलाइज कि या दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द डे, दिस इज़ द टाइम टू गेट हिम आउट. और फिर उसने उसका फ्रीडम को समझ लिया था कि दिस इज़ माई फ्रीडम टाइम. उसने समझ लिया था कि मैं अभी फ्री होने वाला हूँ. And then he just jumped, he went, and aap log ne sabko to dekha hai. And he's at a nice place, he's gonna get some real good life, and yeah, what not. So yeah, this is the success story, I guess. Bahut khushi hoti hai, in fact, jab bhi aise sari cheeze hoti hai, and the animal goes back into wild. Agar iska pura video aapko dekhne ke ki kaise rescue hua, kya hua, so main yahan pe kahin pe to I button bhi dal dunga, just click there. एंड आप वो वीडियोज़ भी देख पाओगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. तो या एक इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही था. आप लोगों ने जैसे दीपक भाई को देखा, उसका हार्ट ऐसे ऐसा हो रहा था. आई कैन फील इट, आई कैन रियली फील दैट एट दैट पॉइंट, बिकॉज वो कार में बैठने का भी ऐसा उसको ये हो रहा था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो. यू गाइस वॉच वीडियो बहुत अच्छी तरीके से, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है मुझे बिल्कुल पता नहीं है. जस्ट नीड टू क्लिक, आपको बस वो रेड सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, उसके बाद में एक बेल आइकन आता है उसको दबाना है, एंड देन आपको ऐसी क्रेजी वीडियोस, क्रेजी रेस्क्यूज की वीडियोस मिलते रहेंगे. वी हैव शूट सम रियली डेंजर एंड हॉट कंटेंट गाइस, आई एम नॉट इवन किडिंग. कंटेंट की बारिश है, बस एडिट करना है. एंड आई विल डू इट फॉर श्योर, आई विल जस्ट डू इट, आई विल जस्ट फिगर आउट जो भी स्टफ है. आई एम प्रिटी श्योर आप लोग को पसंद आएगी आगे वाले कंटेंट्स भी. सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल. अगर एनिमल्स के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न हो, कोई भी एनिमल का कुछ भी हार्म हो, यू हैव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन. मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर भी जाके प्यार दिखाओ. इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ क्योंकि इट गेट्स ईजियर फॉर मी टू जस्ट यू नो अपलोड स्टोरीज इन डू स्टाफ. तो अगर आपको मुझे मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, मेरे से बात करनी है या कुछ डाउट्स है, यू कैन गेट ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट गो देयर. इंस्टाग्राम का भी हैंडल एंड स्क्रीन में भी दिया है. इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मजे करते हैं, बात करते हैं. ओके या सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. पीस आउट, स्टे वाइल्ड, एंड या टिल दैट टाइम दिस इज अभिरूप साइनिंग आउट.